तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश ही होंगे और अपने अपने घरों में सेफ ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आ गए हैं और एक नई वीडियो के साथ है और एक नए स्टार की जीवनी के साथ। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्विंकल शर्मा के बारे में, जो कि एक फेमस टिकटॉक स्टार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो आज हम इन्हीं के पूरे जीवन के बारे में जानने वाले हैं। मगर उससे पहले यदि आप में से कुछ लोगों को नहीं पता कि ट्विंकल शर्मा कौन है और क्या करती हैं और यह किसके लिए फेमस है, तो मैं उन लोगों के लिए ट्विंकल शर्मा का एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। तो अब यदि हम बात करें ट्विंकल शर्मा के बारे में, तो ये एक टिकटॉक स्टार हैं और एक टिकटॉक स्टार के साथ साथ ही ये एक सोशल मीडिया स्टार और इन्फ्लुएंसर भी हैं और इन्हें इनकी लिपसिंग वीडियोस के लिए जाना जाता है। और अब यदि बात करें कि ये क्या करती हैं, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काम करती हैं। और यदि आपका सवाल यह भी है कि ये कितनी फेमस हैं, तो आपको यह भी बता दूं कि इनको शॉर्ट्स वीडियो के लिए जाना जाता है। अब ये तो हो गया इनका परिचय, अब आएंगे हम इनके पूरे जीवन के बारे में भी जान लेते हैं और इनके जीवन की सभी जानकारियों को एक एक करके जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके जन्म और शिक्षा और इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम इनके करियर और इनके बायो के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब यदि हम बात करें ट्विंकल शर्मा के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म 1996 में दिल्ली में हुआ था और इन्हें बचपन से ही एक्टिंग और वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था और इसी शौक की वजह से आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और आज ये लाखों लोगों के दिल पर राज करती हैं और लाखों लोगों को अपनी वीडियोज़ का मनोरंजन करती हैं। और ऐसा ये सिर्फ अपनी 25 साल की उम्र में ही कर रही हैं, कि जो सच में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम अभी आगे ये भी जानेंगे कि ये ऐसा कैसे कर पा रही हैं और कैसे इन्होंने यह शुरू किया। पर अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्विंकल शर्मा दिल्ली में ही में पैदा हुई थी और इन्होंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से पूरी की है। अब अगर हम बात करें इनके स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की, तो इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने दिल्ली के ही प्राइवेट स्कूल में अपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की हुई है। और अब अगर बात करें इनके आगे की पढ़ाई यानी कॉलेज की पढ़ाई के बारे में, तो इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई में भी दिल्ली में ही की हुई है। अब आप पूछेंगे कि इन्होंने किस स्कूल से और कहाँ तक पढ़ाई की हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने किस स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की हुई है इसके बारे में तो अभी हमें नहीं पता चल पाया है, पर अगर हमें पता चलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की हुई है और इन्होंने यह भी दिल्ली से ही कंप्लीट की है। अब बात आती है ट्विंकल शर्मा के परिवार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि हमें अभी तक इन्होंने परिवार के और इनके परिवार के सदस्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, पर जैसे ही हमें जानकारी मिलती है हम आपको तुरंत बताएंगे अपनी नई वीडियोज़ में। तो ये बातें होगी ट्विंकल शर्मा के जन्म और शिक्षा और इसके परिवार के बारे में। तो अब आएंगे हम करियर के बारे में भी जान लेते हैं कि कैसे इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और कैसे आज ये इस मुकाम पर पहुंच गई हैं। यदि हम बात करें ट्विंकल शर्मा के करियर की शुरुआत के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने बचपन से ही एक्टिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और एक एक्टिंग का प्रयास करती रहती थी, पर उससे इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता था। पर इन्होंने अपने स्किल पर काम करना छोड़ा और अपने स्किल्स को निखारती रही और ऐसा करते करते इन्होंने काफ़ी साल बीत गए और काफ़ी दिनों बाद इन्हें आखिर में वह मौका मिल गया जिनका इन्हें तलाश थी और उन्हें टिकटॉक के बारे में पता चला। इन्होंने देखा कि टिकटॉक पर इन्हें सफलता मिल सकती है और इस उम्मीद में इन्होंने अभी अपना एक अकाउंट बना लिया और उस पर वीडियोज़ डालने लग गई और बहुत कम समय में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल कर ली। देखते देखते अकाउंट्स पर 2.5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए इनकी वीडियोज़ पर।